जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं गौरव चौधरी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हसो क्लासेस पर। तो दोस्तों, हमारा रीजनिंग में अल्फाबेटिकल सीरीज लगभग समाप्ति की ओर है, केवल एक पोजीशन और बची है, उसे मैं अभी करा देता हूं 10 मिनट में। उसके बाद हमारा एक नया चैप्टर चालू होगा जिसका नाम है पेयर फॉर्मेशन अर्थात युग्म गठन। युग्म गठन अब क्या है, ये चैप्टर आज ही शुरू होगा और आज ही खत्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम एक और चैप्टर करेंगे लेटर सीरीज वाला, वो भी एक ही दिन का चैप्टर है। और उसके बाद एक और चैप्टर आएगा जिसका नाम होगा डिक्शनरी जंबलिंग, वो भी एक ही दिन का चैप्टर होगा। उसके बाद हम शुरू करेंगे फिर कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है दोस्तों, जिसमें लगभग 5 या 4 या 5 6 दिन लगेंगे, 4 से 6 दिन के बीच में औसत लगभग, ठीक है दोस्तों। तो हम शुरू करते हैं। देखिए हमारे अल्फाबेटिकल सीरीज में देखिए, पहले ये वाली सीरीज खत्म, ये वाली सीरीज खत्म, ये भी गई, ये भी गई। अब देखिए इसके बाद आपकी आती है सम सीरीज बी से लेके जेड तक, जो कि खत्म हो चुकी है। फिर आएगी आपकी ए से लेके वाई तक, ये भी खत्म हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। ये चारों सीरीज हमारी खत्म हो चुकी है। इसके बाद अब आपकी आती है अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, प्रथम अर्धांश भी विपरीत क्रम में और द्वितीय अर्धांश भी विपरीत क्रम में, ठीक है दोस्तों। ये भी सीरीज हमारी खत्म हो चुकी है। इसके बाद एक और आती है कि प्रथम सीरीज को अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। देखिए M से A, N से Z, ये भी हमारी खत्म हो चुकी है। एक आखिरी सीरीज आती है जिसमें प्रथम अर्धांश को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाए व द्वितीय अर्धांश को अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिखा जाए। आखिरी सीरीज वही बची है, देखिए पहले अर्धांश को तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, द्वितीय अर्धांश को अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में। इस बार इस सीरीज को हम करा देते हैं, उसके बाद आपका अल्फाबेटिकल सीरीज समाप्त, ठीक है। एक आध वैसे क्वेश्चन बचेंगे इसमें, जैसे अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज जिसमें से तो छांटना होगा कि इसमें से इस आगे कौन सा होगा, जिसमें एट द रेट आएगा, कॉपी राइट आएगा, ऐसे सवाल आते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो तो आप कर ही लोगे, ठीक है दोस्तों। तो हम शुरू करते हैं अब ये वाली सीरीज, सबसे आखिरी सीरीज। उसके बाद हम कोशिश करेंगे सैटरडे को आपकी टेस्ट लेने के लिए, जो हमारा पूरा हो चुका है अल्फान्यूमेरिकल सीरीज, इसी के ही टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। ए से लेके एम तक, जे से लेके एन तक, ये वाली सीरीज बची हमारी, अब इसे कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, प्रथम अर्धांश द्वितीय अर्धांश कितने हैं, 13 इसमें हैं, 13 इसमें हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन देखिए इसमें किस तरीके से आएगा, यदि प्रथम अर्धांश को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाए व द्वितीय अर्धांश को अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिखा जाए, आया समझ में, प्रथम अर्धांश को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व द्वितीय अर्धांश को अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिखा जाए, तब कौन सा अक्षर, देखिए इसका पहला सवाल यहां से लिख लेते हैं, कौन सा अक्षर बाएं से 14वें के दाएं, बाएं से 14वें
दाएं, बाएं से चौदहवें के दाएं दसवां होगा। देखिए क्या करेंगे इसमें, ये जी आंसर। देखिए बाएं से चौदहवें के बाएं, सॉरी दोस्तों ये बाएं है, यहाँ दाएं नहीं है, दाएं वाला बाद में आएगा। चौदहवें के बाएं दसवां अक्षर कौन सा होगा? सबसे पहले देखो क्या है ये बाएं, क्या है ये बाएं, पोजीशन क्या है सेम, सेम पोजीशन होने पे क्या करते हैं हम माइनस। ये तो आपको अब समझ में आ जाना चाहिए, सेम पोजीशन माइनस और अलग अलग पोजीशन डिफेंस पोजीशन प्लस, ठीक है। बाएं लेफ्ट कितना है 14, माइनस कितना है 10, इक्वल कितना हो गया 4, लेफ्ट से 4 नंबर पर कौन है, लेफ्ट से 4 नंबर पर कौन है, ये है डी, कौन है डी, ये आपका हो गया आंसर। कोई परेशानी? कोई नहीं। अब चलते हैं हम आगे एक और सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या कह रहा है ये, अंग्रेजी वर्णमाला को, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखा जाए, वह द्वितीय अर्धांश को अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिखा जाए, तब कौन सा अक्षर बाएं से दसवें के दाएं पांचवा होगा। बाएं से दसवें के दाएं, बाएं किसे दसवें के दाएं पांचवा होगा, कौन सा होगा बताइए दोस्तों आंसर। देखिए पहले कहां से पूछा है, बाएं से पूछा है, तो इसको हम निकाल लेते हैं, बाएं का यहां लिखेंगे लेफ्ट, ये क्या है दाया, पोजीशन कैसी है दोनों अलग अलग, अलग अलग पोजीशन पर क्या होता है प्लस, अलग अलग पोजीशन पर क्या होता है प्लस, करिए 10 प्लस 5 कितना हो गया 15। मेरे बहुत से साथियों ने तो इसका आंसर वो दे भी दिया होगा जो कि बिल्कुल गलत है, क्यों देखिए यहां से चलेंगे हम यहां तक 13, अच्छा तो ये हो गए ना 13 तो ये हो ही है, बचे कितने 2, यहां से यहां पे 2 और, भाई 13 तो यहां से यहां तक चल रही है, बचे 2 अच्छा 2 इधर और चल रही है, 2 में क्या हो गया जेड और वाई, इसका आंसर क्या आ गया लेफ्ट से बंदे में कौन सा हो गया वाई, ये तो आंसर आ गया। एक और तरीका, 13 तो ये हो ही गया, बचे 2 27 से 2 घटा दो भाई, लेफ्ट से लेने के लिए राइट से आ जाएगा, तो 27 से 2 गया तो कितना बचा 25, क्या हो गया इसका वाई, ये भी है इसका एक और तरीका, दोनों तरीका आपको समझ में आ जाने चाहिए। अब करते हैं सवाल नंबर 3, 3 क्या कह रहा है आपका, देखिए कुछ नहीं है इसमें, क्या है पहली सीरीज तो बिल्कुल सीधी लिखी हुई है M तक, दूसरी सीरीज में
उल्टा कर दिया है, जेड पहले है एन बाद में है। ठीक है दोस्तों, बाद बाकी इसमें कुछ नहीं है, सादा सिंपल है। जैसे हम अब तक करते हुए आ रहे हैं वैसे ही होगा। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, वो एक दो, दो हो गया तीन। कौन सा अक्षर, भाषा वही है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखा जाता है व द्वितीय अर्धांश को अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिखा जाता है। तब कौन सा अक्षर, तब कौन सा अक्षर बाएं से पंद्रहवें के बाएं छेवा होगा, बाएं से पंद्रहवें के बाएं, बाएं से पंद्रहवें के बाएं छेवा होगा, बताइए। देखिए कहाँ से है, बाएं से, कहाँ से है, बाएं से, दोनों क्या हैं सेम, क्या हो जाएगा माइनस, लेफ्ट से 15 माइनस 6 इज इक्वल टू 9, नौवां कितना हो गया, यहाँ से 9 आई, क्या हो गया आंसर आई, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब चलते हैं आगे, और ये बाएं वाला तो काफी हो गए, लेफ्ट वाले हो गए ना तीन, अब एक कर लेते हैं दायां वाला राइट वाला। ठीक है दोस्तों, आप कहोगे कि लेफ्ट राइट वाला तो अभी कराया ही नहीं है, तो राइट वाला भी देख लो। राइट वाले भी क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखा जाता है तथा द्वितीय अर्धांश को अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिखा जाता है। तब कौन सा अक्षर, तब कौन सा अक्षर दाएं से दसवें के दाएं पांचवा होगा, दाएं से दसवें के दाएं, दाएं से दसवें के दाएं पांचवा होगा, कैसे करेंगे, काफी हार्ड सवाल है लेकिन कुछ भी हार्ड नहीं है। कैसे करेंगे, सादा सिंपल, देखो क्या है दायां, क्या है दायां, दायां दायां मतलब राइट, क्या हो जाएगा माइनस, दस में से पांच गया तो कितना बचा पांच, राइट से पांचवा कौन सा होगा, राइट से पांचवा, यहाँ कौन सा अक्षर आएगा, दो तरीका, पहले एक तरीके से कर लेते हैं, एन, एन से पांचवा गिन लो, एन ओ पी क्यू आर, एन ओ पी क्यू आर, क्या हो गया आर, एक तरीका। दूसरा तरीका ए, ए से लेके एम तक 13 ये हो गए और पांच ये भाई, उससे और पांच है ना, पांच वो कैसे लगा दी हमने, एम के बाद हमने सीरीज को सीधा ही कर लिया, समझ लिया कि एन ही है भाई, एन से आगे तो जा रहा पांच, तो एम से आगे एन सीधा चलेगा, तो 13 और 5 18, फिर भी कौन सा हो गया 18, 13 प्लस 5 इजकल टू 18, क्या हो गया 18 का आर, ये हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, इसका एक और कर लेते हैं, उसके बाद इस सीरीज को खत्म करते हैं, फिर चलेगी हमारा पेयर फॉर मेसन, क्या चलेगा पेयर फॉर मेसन, देखिए पेयर फॉर मेसन में तो कुछ भी नहीं है, बस एक बार समझ लो उसके बाद कर लो, कुछ नहीं है। देखिए आखिरी सवाल इसका, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखा जाता है
वह द्वितीय अर्धांश को अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिखा जाता है। तब कौन सा अक्षर दाएं से पंद्रहवें तब कौन सा अक्षर दाएं से पंद्रहवें दाएं से पंद्रहवें के बाएं पांचवा होगा। बताइए, कहां से बताना है? दायां से। राइट लेफ्ट पोजीशन अलग। पोजीशन अलग होने में क्या करते हैं हम? -15 -5 कितना हो गया? 10। सॉरी मेरे दोस्तों। पोजीशन अलग होने पर करते हैं हम प्लस, पोजीशन सेम होने पर करते हैं माइनस। ठीक है, पोजीशन अलग होने पर क्या करते हैं हम? प्लस। 15 और 5 कितना हो गया? 20। 20 कहां से? राइट से 20। बताइए कौन सा होगा? राइट से 20। देखिए यहां से यहां तक तो 13 हो ही जाएंगे, एन तक कितना बचा? 7। 7 ही तो बचा। अब ये 7 हमें इधर से बताया है, इसे अब लेफ्ट से लेने की क्या करेंगे? 14 माइनस 7। ठीक है दोस्तों, तो लेफ्ट से बनाने के लिए 14 में से माइनस कर देंगे, केवल इसी वाले अर्धांश को ही तो हल करेंगे। ये तो इसने क्रॉस कर ही दिया 13, इससे आगे तो चलेंगे। अब 14 माइनस 7 = 7। 7 पे क्या होता है हमारा? G 7। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, हमारी अल्फाबेटिकल सीरीज खत्म हो चुकी है। कोई दिक्कत दोस्तों? अगर इसमें से किसी को कोई परेशानी हो, कोई क्वेश्चन ना आ रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में उसे भेज दे, उसका सॉल्यूशन करके हम बता देंगे। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में बता दे। ठीक है दोस्तों, देखिए अब चलते हैं आगे पेयर फॉर्मेशन की ओर। क्या है पेयर फॉर्मेशन, कैसे हुआ वो देख लेते हैं हम। देखिए, जैसे हमें दे दिया एप्पल, इसमें बताने हैं कि कितने युग्म, इसमें बताने हैं कितने युग्म बन सकते हैं। कैसे बताओगे? इसके भी दो तरीका हैं, वो मैं दोनों ही बता दूंगा आपको। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे सवाल आएगा इसमें शब्द एप्पल में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिसके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। एप्पल में कितने अक्षर ऐसे हैं जिसके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में आते हैं। कैसे करोगे? देखिए, सात आसन पर फंडा है। देखिए हम शुरू करेंगे पहले ए से गिनेंगे। ए बी सी डी ई मिल गया ना, ए से ई मिल गया। ठीक है दोस्तों, अब फिर गिनेंगे, फिर पी से, पी क्यू आर एस नहीं है, फिर पी से कोई नहीं है, फिर एल से कोई नहीं है, फिर कोई नहीं है, फिर पी से चलेंगे, ई से ई एफ जी एच आई कोई नहीं है, एल से एल एम एन ओ कोई नहीं है, फिर पी से नहीं है, फिर पी से नहीं है। ठीक है, तो कितने हो गए इसके? एक। ये हो गया आंसर एक। इसमें हम पहले आगे से चलते हैं फिर पीछे से चलते हैं। ठीक है ना दोस्तों, पहले आगे से चलेंगे फिर
पीछे से चलेंगे, दोनों ओर से जोड़ा बना के देख लेंगे कि हमारे कितने जोड़ा बन रहे हैं, उसका उतना ही आंसर हो जाएगा इसका। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे। दूसरा टाइप भी मैं बता दूंगा अभी। देखिए जैसे क्वेश्चन है शब्द डिप्लोमेसी, क्वेश्चन नंबर 1 डिप्लो DIPLOMACY शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने शब्द युग्म हैं जो कि इनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में आते हैं। कैसे करोगे? दो तरीका। पहले वाला तरीका फॉलो करो। डी से शुरू करो। डी ई एफ, देखो डी ई एफ जी एच आई जे के एल, कोई मिला? कोई नहीं मिला, छोड़ो। अब आई से शुरू करो। आई जे के एल एम, आई जे के एल एम, आई से एम मिल गया, जो मिल गया उसे अलग लिख लो। आई से एम मिल गया, फिर चलो आगे एम एन ओ पी, कोई नहीं है, फिर पी से शुरू करो। पी क्यू आर एस टी यू वी, कोई नहीं है, एल से एल एम एन ओ पी क्यू, कोई नहीं है, फिर ओ से ओ पी क्यू आर एस, कोई नहीं है, फिर एम से एन ओ पी, कोई नहीं है, फिर ए से कोई नहीं है, वी सी से कोई नहीं, वाई से। अब पीछे से चलो इधर से इधर, इधर तो ये एक ही है ना नीचे से केवल आई और एम, ठीक है। देखिए वाई से आगे तो कोई है नहीं, सीधे डी ई एफ जी एच आई, देखिए सी के बाद डी ई एफ जी एच आई, क्या हो गया? सी और आई, एक ये मिल गया। फिर इससे आगे चलो ए से शुरू करो। ए बी सी डी ई एफ जी, नहीं है, फिर एम से एन ओ पी, एम से एन ओ पी, एक और मिल गया एम पी, ठीक है। फिर शुरू करो ओ से, ओ पी क्यू आर एस, नहीं है, फिर शुरू करो एल से एल एम एन ओ, कोई नहीं है, फिर पी से भी कोई नहीं, आई से कोई नहीं, डी से कोई नहीं, कितने बने? 3, ये बनेंगे 3 जोड़े, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसका एक और तरीका, सारा सिंपल, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, एक और तरीका कर लेते हैं। देखिए एक चीज का हमेशा याद रखना, पेयर हमेशा अपने से बड़े का बनेगा, पेयर हमेशा अपने से बड़े का बनेगा, छोटे का नहीं बनेगा। देखिए डी 4, 9, 16, 12, 15, इनके नंबर लिख लो जिससे कि आपको परेशानी कम आएगी। 15 के बाद 13, 1, 3, 25, ठीक है दोस्तों। अब देखिए शुरू करो 4 से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, नहीं है कोई, 9 से 10, 11, 12, 13, 14, 15, 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13, एक युग्म बन गया, ठीक है। शुरू करो 16 से 17, 18, 19, 16 से तो बड़ा कोई है ही नहीं, पहुँचेगा नहीं, 12, 13, 14, 15, 16, 17 कोई नहीं है, 15 से भी बड़ा कोई नहीं है, 13 से भी बड़ा कोई नहीं है, 1 से नहीं है, इससे भी नहीं है, ठीक है। अब पीछे आ जाओ बैक, 25 से नहीं है कोई बड़ा, सब छोटे हैं, 3 से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 से 9 तक दूसरा बन गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है।
अब देखो, एक से दो तीन चार पाँच छः सात नहीं, 13 से 14, 15, 16, 14, 15, 16, ये हो गया तीसरा पेयर। फिर देखो 12 से 13, 14 कोई नहीं है, 16 से नहीं, इससे बड़ा कोई नहीं है, कितने बन गए 3। इससे थोड़ा आसान और बढ़िया रहता है नंबर लिखने से, ये दूसरा तरीका है, मर्जी आपकी है, चाहे नंबर लिख के कर लो या अल्फाबेट से कर लो। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन, ये पेयर फॉर्मेशन भी जल्दी ही खत्म हो जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2, वही है डिप्लोमेसी का ही बताना है हमें, DIPL DIPLOMACY डिप्लोमेसी का ही बताना है। ठीक है, सवाल क्या है, इस बार सवाल सुनो, यदि डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में आते हैं, जितने की अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में आते हैं, ये है क्रम अर्थात ऑर्डर। इसकी भी एक खासियत है, अगर आपको ये क्रम या ऑर्डर लिखा हुआ मिल जाए, अगर आपको ये क्रम या ऑर्डर लिखा हुआ मिल जाए तो इसे कैसे हल करोगे? यदि आपको ये क्रम या ऑर्डर लिखा हुआ मिल जाए तो हमेशा याद रखो केवल इसमें आगे से ही चलेगा, पीछे से नहीं, केवल कहां से लेना है, आगे से। ठीक है, आगे से हमारा कितना था, आई एम, केवल एक अक्षर था, एक ही युग्म था, इसका हो गया एक। बोलो दोस्तों, आया समझ में? अगर आपको क्रम या ऑर्डर दिखा हुआ मिल जाए, अगर आपको ऑर्डर या क्रम लिखा हुआ मिल जाए तो केवल आगे से ही चलना है, पीछे से नहीं चलना है, केवल एक साइड से ही बताना है। ठीक है दोस्तों, हो गया क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 3, दो तरीका होते हैं, दोनों तरीका मैंने आपको बता दिए, दो टाइप हैं, वो भी दोनों टाइप मैंने बता दी, थोड़ी सी प्रैक्टिस करा देते हैं इसकी, बाद बाकी कुछ नहीं है इसमें, ये खत्म। ठीक है, अब लिख लेते हैं सवाल नंबर तीसरे में, कुछ बड़ा सा लेते हैं। ठीक है, ये लिखते हैं, मेडिटेशन MEDITATION, ठीक है, मेडिटेशन बताना है। इसका पहला है, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने आएंगे, ठीक है, बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में कितने होंगे। ठीक है, इसका दूसरा है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने होंगे। अब बताइए दोस्तों, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। ये देखो, शुरू करो एम से, दो बताए हैं मैंने, दोनों में से किसी से भी कर लो, या तो इनकी पोजीशन तरीके कर लो या इनको सीधा सीधा कर लो। मेरे हिसाब से पोजीशन तरीके करोगे तो जल्दी हो जाएगा, कोई परेशानी भी नहीं आती। पोजीशन कर लो इनकी, 13, 5, 4, 9,
बीस, एक, बीस, नौ, पंद्रह, चौदह। आपको जैसे अच्छा लगे आप ऐसे कर लो, या तो पोजीशन से या सीधा सीधा अल्फाबेटिकल, जो आपको अच्छा लगे उससे कर लो, ठीक है। पोजीशन से देखो, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस, बाईस, कोई नहीं है। आगे चलो, पाँच से, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, कोई नहीं है। फिर आगे चलो, चार से, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, चार से नौ, चार से नौ, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, ठीक है। अब चलो बीस से, बीस से बड़ा तो कोई है ही नहीं, कोई नहीं होगा। एक से, एक से काफ़ी बड़े हैं, कोई नहीं होगा। फिर बीस से कोई नहीं है, फिर नौ से कोई नहीं है, फिर पंद्रह से कोई नहीं है, चौदह से कोई नहीं है, ठीक है। मतलब अब देखो पीछे से, चौदह, पंद्रह, कितना हो गया, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस, बाईस, तेईस, और कोई नहीं है। पंद्रह से देखो, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस, बाईस, तेईस, कोई नहीं है। नौ से दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, कोई नहीं है। बीस से कोई नहीं बड़ा। एक से दो, तीन, चार, एक से चार तक, तीसरा, ठीक है, एक से चार तक देखो, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, चार, पाँच, जब ये बन गया तो एक ये भी बन गया चौथा, जब ये है तो इन दोनों का भी एक बनेगा पांचवा, ठीक है। देखो एक के बाद हो गया, फिर बीस से लगाओ, बीस से बड़ा कोई नहीं है, नौ से दस, ग्यारह, बारह, कोई नहीं है, फिर चार पांच का बना ही दिया, पांच है, कोई नहीं। अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने हैं, कितने हैं, पांच, और अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने हैं, क्रम में है केवल एक। क्रम में कौन सा आता है, क्रम में आता है जो केवल आगे से चले, पीछे से न चले, वो क्रम में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में, ठीक है। तो दोस्तों आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं। मुझे लगता है कि आपको पेयर फॉर्मेशन पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके थोड़े बहुत जो क्वेश्चन आप लगाना चाहते हैं वो लगा लीजिए, क्योंकि एक या दो नंबर का इसमें से पेपर में, हर पेपर में आ ही जाता है, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।